नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से कबल हम सीख रहे थे कि हम मसीह के हम मिरास कैसे हो सकते हैं और हमारा ईमान हमें इस दुनिया में कौन सा बड़ा गलबा बख्शता है। हम एक मरतबा फिर पादरी पौलुस साहब को दावत देते हैं कि वो हमें इस पर मज़ीद सिखाएं। हाँ जी, तो मैं बात ये कर रहे थे हम कि खुदावंद खुदा ने खुद जो है ये ख़ास प्लान किया ताकि उसका बेटा पूरी दुनिया के ऊपर, जहानों के ऊपर जब वो कब्ज़ा करे और फतह पाए, क्योंकि अबलीस जो था उन सारी चीज़ों के ऊपर अपना इख्तियार बढ़ाता जा रहा था जी। तो खुदा ने सबसे पहले अबलीस और उसकी कुफ्तों पर गालिब आने के लिए अपने बेटे को भेजा ताकि वो गालिब आए और फिर वो जो उस पर ईमान रखते हैं वो उसके ऊपर गालिब आ सके। मसीह खुदावन ने इस कायनात को बतालत के कब्जे से जो है वो छुड़ा लिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पर दो जगहों पर जी खुदा के बारे में बात है कि वो खुदा से पैदा हुआ है। कौन? जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है। पहली आयत में लिखा है कि वो खुदा से पैदा हुआ है और फिर इसके बाद हम देखते हैं आगे 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 आयत में लिखा हुआ है जी, जो चौथी आयत है उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो दुनिया पर गालिब आना चाहता है वो क्या करता है, कि जो कोई खुदा से पैदा हुआ है जी। दो जगहों पर इसको मेंशन किया गया, दो जगहों पर इसको लिखा गया कि जो खुदा से पैदा हुआ है वो गालिब आ सकता है। अब खुदा से कैसे पैदा होना है, ये सबसे बड़ी बात यह है कि हर इंसान जो जमीन पर रहता है, हर इंसान कोई भी है, किसी भी जगह पर रहता है, किसी मुल्क में रहता है, किसी शहर में रहता है, उसको सबसे पहले यीशु पर ईमान लाना है। वाह। तो जब यीशु पर ईमान लाएगा तो वो यीशु के वसीला से उसका फर्जंद गिना जाता है, क्योंकि जितनों ने उसे कबूल किया उसने उनको खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। तो खुदा में पैदा होने के लिए, खुदा का बेटा बनने के लिए हमें उसके बेटे पर ईमान लाना बहुत जरूरी है। जबरदस्त। क्योंकि जितनों ने उसे कबूल करना है उनको वो खुदा का बेटा बनाएगा और जो खुदा का बेटा बनेगा वो गालिब आएगा, क्योंकि उसने अपने बेटे के वसीला से गलबा देने के लिए ये एक वसीला ठहराया है, इख्तियार दिया है। और जो इख्तियार उसने अपने बेटे को दिया वो फिर दूसरों में बांटता है, क्योंकि उसे ये भी इख्तियार है कि वो अपने इख्तियार को भी बांटे और खुदा के इख्तियार को भी लोगों वो हमें अपनी मिरास में जो है हम मिरास बनाता है क्योंकि उसे इख्तियार दिया गया कि वो बांटे, तो वो बांट देता है और उसको खुदा ने ये इजाजत दी है। आपकी बात से मुझे एक बात याद आएगी कि मसीह खुदावंद खुदा बाप के इकलौते बेटे हैं, लेकिन हम लेपालिक हैं। हाँ जी। चूंकि हम लेपालिक हैं इसलिए हम मसीह के साथ उसकी मिरास में शामिल हो जाते हैं। और जब हम लेपालिक भी अपने आप को कह रहे हैं ये भी ठीक है, लेकिन अगर हम ईमान में कायम हो जाए तो हम बेशक लेपालकी का जो वो दर्जा है उससे हम ऊपर चले जाते हैं जी। क्योंकि खुदा ने हमें किसी का समझ के नहीं रखा अपने पास जी। खुदा ने हमें किसी का समझ के अपने पास नहीं रखा, बल्कि खुदा ने खुद अपने बेटों और बेटियों को जो बिखर चुके हैं, जो परेशान हैं, जो गम में हैं, जो दुख में हैं, जो गुनाह की कैद में हैं, जो गुलामी में चले गए हैं, जो शैतान के हाथों से जकड़े हुए हैं, उनको छुड़ाने का एक वसीला बनाकर खुदा अपने बेटे को भेजा ताकि वो उनको छुड़ाए, क्योंकि वो उसके हैं, पहले ही उसके हैं, क्योंकि उसने मोहब्बत से उनको बनाया है, अपनी सूरत और शबीह पर बनाया है। हर इंसान के लिए ये जरूरी है कि वो इस बात को समझे कि वो कोई ऐसा शख्स नहीं है या कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो किसी कहीं और से उठा कर लाई गई है या किसी की है और खुदावंद उस पर कब्जा करना चाहते हैं। नहीं, हम तो है ही उसके शुरू से, हम तो बनाए ही उसके। बड़े वाज़े अल्फाज में आया इफिसियों के खत में कि उसने दुनिया की पैदाइश से पेशतर जो है वो हमसे मोहब्बत रखी है और हमें अपने लिए चुन लिया। और यहाँ तक कि इंसान को जब खुदा ने बनाया तो उसने अपनी सूरत और शबीह उसे बख्शी है, फिर लिखा कि अपना रूह उसके अंदर डाला है, दम उसके अंदर डाला है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम कहीं और से उठा कर लाए गए हैं, बल्कि ये मट्टी जो खुदा ने बनाई है तो उसी मट्टी में से, लिखा है कि मट्टी ली और उसको बड़े खूबसूरत तरीका से और बड़ी मोहब्बत से सींचा है। तो कोई भी शख्स है, आप देख ले कोई चीज़ बना ले तो आप उसको ढाकर दिखाएं मुझे। कोई बच्चा है वो खिलौना अगर बना ले मिट्टी का या किसी और चीज़ का, आप उसको ढाएं, क्या बच्चा वो परेशान नहीं होगा? वो रोएगा, चलाएगा, वो यहाँ तक कि आपके गले पड़ने तक आएगा कि तूने मेरी ये चीज़ इतनी मेहनत से मैंने बनाई, चाहे वो सही बनी भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपके
गले पड़ेगा, कहेंगे नहीं आपने क्यों ये किया है। बिल्कुल, तो खुदावंद खुदा ने तो बड़ी मोहब्बत से फिर इंसान के अंदर कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कमी नहीं छोड़ी। अगर आप गौर करें तो खुदा ने दुनिया की हर एक नेमत उसके अंदर डाली है, खुदा ने दुनिया की हर एक नबातात उसके अंदर डाली है, जमादात उसके अंदर डाली है, उसके अंदर एहसास पैदा किया है। क्योंकि खुदा को अपने आप को भी ऐसे ही ना तरस आता है, एहसास आता है, वो दुख को फील करता है, खुशी को फील करता है, सब। तो ये इंसान की नेचर में है, तो अपनी नेचर उसने इंसान के अंदर डाली हुई है, तो क्या खुदा इंसान से मोहब्बत नहीं करेगा। बिल्कुल, जो इल्म इलाही के तालिब इल्म हैं वो यही कहते हैं कि खुदा की और हमारी सिफात जो है वो मुश्तरका है। मुश्तरका है, बेशक मुश्तरका है, सिर्फ ये बात है कि इख्तियार कुल जो है वो खुदा के पास है, इंसान के पास इख्तियार कुल नहीं है। कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो सिर्फ खुदा कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। और इसलिए खुदा में और इंसान में फर्क है जी। अगर इंसान सब कुछ कर ले, सब कुछ कर सकता है, तो फिर खुदा की उसे जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल, तो आज दुनिया के अंदर भी खुदा ने ऐसा ही रखा हुआ है कि हर चीज को दूसरी का मोहताज रख दिया हुआ है जी। हम खुदा के मोहताज हैं, खुदा किसी का मोहताज नहीं, बिला शुबा। इसलिए ये कमजोरी हमारे अंदर है, कमी है, हर चीज जो है मैं आपका मोहताज हूँ, आप मेरे हैं, कोई और किसी का है। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता, वो एक दूसरे के साथ लिंक में खुदा ने उनको कायम किया हुआ है। लेकिन इंसान होते हुए हम चाहते हैं कि मेरा गलबा हर चीज़ के ऊपर हो, लेकिन खुदावंद खुदा ये कहते हैं कि अगर कोई गलबा पाना चाहता है, यूहन्ना के इस पहले खत में बड़ी बड़ी गहरी बातें हैं, इसलिए कि यूहन्ना के चारों खतूत जो हैं, चारों किताबें जो हैं, जिनके अंदर खतूत भी हैं, मुकाशफा की किताब भी है, आप इनको अगर आप गौर से पढ़ें ना, तो सारी किताबों में, यूहन्ना की अंजील में भी, सारी किताबों में एक ही उसका जो थीम है, एक ही उसके ऊपर मजमून है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, खुदा का बेटा है। यीशु मसीह की अलोहियत, अलोहियत को और इलाही बशरियत को, और इसी तरह उसकी ममूरी को, उसकी कादर मुतिक ज़ात को यूहन्ना रसूल सबसे ज़्यादा बयान करता है। वाह, यूहन्ना रसूल इसलिए भी बयान करता है क्योंकि जिन कलीसियाओं में वो काम कर रहा था, वो यीशु मसीह को सिर्फ आम शख्स मानते हैं, आम शख्स ये जानते थे, लेकिन यूहन्ना रसूल उन पर साबित करना चाहता था कि यीशु मसीह आम शख्सियत नहीं, बल्कि इलाही बशर है, इलाही जात है, वो खुदा की जात अकदस है जी। वो उसका अंसर है, वो उसकी हर एक चीज का जो भी जमीन पर है उसका इख्तियार अपने पास रखता है। तो यूहन्ना का पहला खत भी, दूसरा भी, तीसरा भी, अगर आप इनको पढ़ेंगे तो इन सब में एक ही तरह, आप यूहन्ना की अंजील पढ़ें, उसी में स्टार्ट में शुरू कर देता है वो कि वो इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था, वो वही मुजस्सम हुआ बड़े और फसल और सच्चाई के साथ ममूर होकर हमारे दरमियान रहा है, तो वो उसी को बयान करता है, किसी और को बयान नहीं करता। बिल्कुल, इसलिए यूहन्ना के पहले खत में ही अगर आप पहले बाब में पढ़ें तो वो ये कहता है कि हम उसके गवाह हैं। वाह, हम उसके गवाह हैं। बिल्कुल, उसकी गवाही हम देते हैं क्योंकि हमने उसको देखा भी है। बिल्कुल, पहली आयत में सुना भी है, बड़े खूबसूरत अंदाज में लिखा है, हमने उसे देखा भी है, उस जिंदगी के कलाम की बाबत कहते हैं, इब्तिदा से था, बिल्कुल ऐसे, और जिसे हमने सुना और अपनी आंखों से देखा, बल्कि गौर से देखा और अपने हाथों से, और ये चार सबूत बयान करता है वो जी, चार सबूत बयान करता है, देखा है जी, गौर से भी देखा है, छुआ भी है, अपने हाथों से छुआ वैसे जी, और उसके बारे में सुना भी है। तो वो जो चीजें सुनी थी वो सबूत के तौर पर उनके सामने थी, उन्होंने देख लिया कि ये लिखा था, यही काम हुआ है। वाह, और उन्हें देखा उसको करते हुए, जब वो करता तो कहते कि वाकई यही खुदा का बेटा है। वाह, फिर उसके बाद जो मौजजात उन्होंने देखे हैं वो किसी और नबी ने नहीं दिखाए, किसी और जात ने नहीं दिखाए, किसी और शख्सियत ने नहीं दिखाए, आमीन आमीन, इसके वो सबूत देते हैं। तो हमारे पास भी इस बात के सबूत हैं, बाइबल मुकद्दस सबसे बड़ा सबूत है, उसके बाद सारे कदीमा आज खुदाइयां कर रहे हैं, देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, पा रहे हैं, और फिर वो साबित कर रहे हैं कि वाकई ये बात सही थी। बिल्कुल, नासरत से कोई उठा जिसने दुनिया की काया पलट डाली, हर चीज के ऊपर वो गालिब आया। तो यहाँ पर जैसे हम पढ़ रहे थे इसी खत के जी, जो पहले मजमून है, हम जब इनको देख रहे हैं तो आखिरी आयत, फिर दोबारा हम इस पर गौर करें तो लिखा है कि दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है। वाह, एक बड़ा सवाल, आज मैं भी इस सवाल को छोड़े जाता हूँ होशाना टीवी के ऊपर कि आप गौर करें कि वो कौन है, वो कौन है जो दुनिया पर गालिब आ सकता है।
मैं ذاتی طور پر ایک ہی بات جانتا ہوں کہ یسوع کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں, بلا شبہ خداوند یسوع مسیح کے بغیر ہم کسی چیز پر غلبہ نہیں پا سکتے. اگر آپ اپنی زندگی بھی ببرکت بنانا چاہتے ہیں تو اس کے علاوہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جو آپ کی زندگی کو ببرکت بنا دے, کیونکہ جس کے پاس برکت ہے وہ برکت دے سکتا ہے. جو شخص خود موت میں ہے وہ کبھی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا, جو زندہ ہے وہی زندگی, جو زندہ ہے وہی زندگی دے سکتا ہے. اور دنیا کے اوپر جو غلبہ پا چکا ہے وہی آپ کو اختیار دے سکتا ہے کہ تم بھی غلبہ پا جاؤ, وہی آپ کو اٹھا سکتا ہے جو خود سب سے زیادہ برکت رکھتا ہے اپنے پاس. تو جیسے یہاں سوال ہے کہ دنیا کا مغلوب کرنے والا کون ہے سوا اس کے, اس شخص کے جس کا یہ ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. تو جو یہ کہتے ہیں کہ یسوع خدا کا بیٹا نہیں, ان کے لیے یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ جو یہ کہتا ہے خدا کا بیٹا یسوع ہے وہ دنیا کے اوپر اختیار رکھتا ہے. اور آج دیکھ لے پوری دنیا کا اختیار یسوع کے ماننے والوں کے پاس ہے, ایمانداروں کے پاس ہے, ایمان رکھنے والوں کے پاس ہے. جہاں بھی جاتے ہیں خدا ان کو غلبہ دیتا ہے, خدا ان کو ان چیزوں پر اختیار دیتا ہے. اور دنیا کا اختیار آج بھی یسوع مسیح کے ماننے والوں کے پاس ہے. بالکل. اور آج دیکھیں انٹرنیٹ کے اوپر بھی, جہاں بھی آپ دیکھیں گے جو بھی کام ہوئے ہیں ان کی ہسٹریاں آپ پڑھ کے دیکھ لیں, جن چیزوں کے اوپر آپ فوکس کریں گے پیچھے جب آپ جائیں گے ہسٹری میں, تو جو شخص بنانے والا ہے وہ مسیحی کہیں نہ کہیں ایماندار ہوگا. وہ ایماندار ہے, وہ یسوع کا ماننے والا ہے. یسوع مسیح نے اسے عقل دی ہے, سوچ دی ہے, فہم دیا ہے, ہر چیز پر غلبہ وہ پا جاتا ہے. بے شک دنیا کی چیزیں عارضی ہیں, یہ ختم ہو جائیں گی, ہم ان چیزوں کی طرف بھاگیں بھی تو کچھ بھی نہیں ہمیں ملے گا, کچھ حاصل نہیں ہوگا, ختم ہو جائے گا. لیکن اصل چیزیں وہ ہیں جو آسمانی ہیں. تو اس لیے ہر ایماندار کو کیا کرنا ہے, ان کی تلاش کرنی ہے. اور ان آسمانی چیزوں سے مراد صرف یہ نہیں روٹی کپڑا مکان جی. کیونکہ آج نعرے ہیں روٹی کپڑا مکان, وہاں پر نہ بھوک ہوگی نہ پیاس ہوگی, وہاں پر ایسی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں, وہاں پر برائی سب کچھ سب کے لیے ہوگا, سب کے لیے ہوگا, اور ہمیشہ کے لیے ہوگا, صرف آج کے لیے نہیں, دو چار دس دن کے لیے نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے. اور پھر وہاں پر ہمیں ضرور ہے لکھا کہ آسمانی برکتوں سے نوازا جائے گا. یہاں آج ہم کمزور ہیں, آج زمین پر رہتے ہوئے انسان ہوتے ہوئے ہم کمزور ہیں, لیکن آسمان پر جو کوئی خدا سے پیدا ہوا ہے وہ دنیا پر غالب آئے گا. اور وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی وہ ہمارا ایمان ہے. تو ایماندار جیتا رہے گا, کیونکہ وہ روٹی سے جیتا نہیں رہے گا. رومیوں کے خط میں لکھا ہے, اور رومیوں کا خط جب لکھا گیا تب اگر مقدس اوگسٹین کو دیکھیں تو اس نے بھی رومیوں کے خط کے وسیلہ سے اپنے آپ کو جب جانچا پرکھا تو چینج ہو گیا. بالکل. اور اس کے بعد ہم مارٹن لوتھر دیکھتے ہیں تو وہ بھی رومیوں کا خط ہے, پڑھتا رہا تو اس نے کہا ایماندار کے لیے تو بہت بڑی جو ہے نا برکتوں کی بات ہے, ہم تو دنیا میں ایسے ہی چلتے پھرتے ہیں. اور سینٹ لوئس دیکھیں تو وہ بھی ایسے ہی ہے. بڑے بڑے ایماندار جو ہیں جن کے بارے میں, اور بڑے بڑے دنیا پر غالب آنے کے لیے جو اپنے آپ کو لے کر چلے, وہ آج بھی اس بات کا اقرار کرتے ہوئے جو چلے گئے ہمارے لیے ایمان کا ایک تحفہ دے گئے ہیں کہ جو یسوع پر ایمان رکھتا ہے وہ کبھی شکست نہیں کھاتا بلکہ ہمیشہ دنیا میں غالب آتا ہے. بلا شبہ عزیز ناظرین, ہمارا ایمان ہمیں دنیا پر غالبہ بخشتا ہے. ہمارا ایمان ہمیں اس قابل کرتا ہے کہ ہم اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو جانیں. وہ ہمیں اس بات پر راغب کرتا ہے. دیکھیں, یہ ایک تاریخی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 300 سال, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی بھی قسم کی مسیحیوں نے تلوار نہیں اٹھائی. 300 سالوں تک مسیحیوں نے تلوار نہیں اٹھائی. انہوں نے اپنے ایمان کے بلبوتے پر مسیح یسوع کے ساتھ اس پوری دنیا پر فتح پائی ہے. اور یہاں تک کہ پورا رومن امپائر جو ہے مسیحیوں نے اپنے ایمان کے بلبوتے پر جیت لیا تھا. یہ ایمان کی قوت ہے, یہ ایمان سے ملنے والا غلبہ ہے. عزیز ناظرین, ہمیں ہر دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے. ہمیں اپنے ایمان کو جانچنا ہے اور اس کی حقیقی قدر کو پہچاننا ہے اور اس کی قوت کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ ایمان سے ہم کیا کچھ نہیں کر سکتے. خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یہ بیان کیا کہ تم مجھ سے بھی بڑے کام کرو گے, اور یقیناً
हम ईमान से ऐसा कर सकते हैं। अजीज़ नाज़रीन, आज के इस खूबसूरत पैगाम के लिए हम पादरी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। हम आपके मशकूर हैं कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। अजीज़ नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है हमारे जाने का, हमें दीजिए इजाज़त और उस वक्त तक देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू।